जय हिंद साथियों और सारे लोगों का हैप्पी न्यू ईयर 2024 में आज हम लोग इंक कर लिए हैं। आज 1 जनवरी है और सारे लोग जो हैं लाइव भी देख रहे हैं, लाइव भी जुड़ चुके हैं। आज हम लोग जो हैं बहुत सारे ऐसे पिकनिक जगह है जहां पर हम लोग जाएंगे। इसके अलावा आपको थोड़ा हम गाइड भी कर दें क्योंकि आज के डेट में ज़्यादा लोग जो हैं वो शराब की नशे में जो है ड्राइव व्राइव करते हैं, तो उसी चीज़ को आपको सावधानी भी बरतना है। इसके अलावा आपको हम ये भी बता दें क्योंकि लगातार आप लोग जो हैं मेरे साथ जुड़े रहें, मेरे चैनल के साथ फेसबुक भी फॉलो कीजिए। आपको हम एक चीज़ बता दें, 2023 हम लोगों का गुजरा, उम्मीद करते हैं इससे अच्छा जो है 2024 हम लोगों के लिए अच्छा हो, क्योंकि 2023 में जो है आप लोगों ने फेसबुक पर लगभग जो है 60,000 फॉलोअर किए और लगभग अगर टोटल बात करें तो फेसबुक पर लगभग जो है 15 से 16 करोड़ लोग हमको जो है व्यूअर्स है जो देखे हैं टोटल। इसके अलावा अगर हम यूट्यूब की बात करें तो यूट्यूब पर जो मेरा चैनल है ग्रीन लैंग्वेज, उसमें टोटल जो है लगभग 2,60,000 जो है सब्सक्राइबर आ चुके हैं और फॉलोअर जो व्यूअर्स हैं, व्यूअर्स की बात करें तो लगभग 10 करोड़ जो है मेरा यूट्यूब पर है। तो ये जो है मेरा 2023 का जो है एक जर्नी रहा जिसका हम स्टार्टिंग किए। अभी हम लोग जो है 2024 में इंक कर दिए हैं। फेसबुक पर जो है लगभग हम 15-16 करोड़ जो लोग हमें देखें, उम्मीद करते हैं 2024 में जो है कम से कम जो है 50 करोड़ लोग हमारे साथ जुड़े। और YouTube पर जो है, क्योंकि देखिए YouTube पर का जो वॉच टाइम होता है या फिर उस पर जो व्यूअर्स होते हैं थोड़ा कम आता है। यदि अगर आप फेसबुक के माध्यम से YouTube पर जुड़ रहे हैं या YouTube के माध्यम से Facebook से भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है आप हमको जो है हमारे चैनल को थोड़ा आप उसको ग्रो कीजिए, उसको शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि हम आपकी आवाज़ जो है एक मजबूती के साथ हम उठा सकें। देखिए हम लोग ऐसे जगह पर जाते हैं, ऐसे जगह जगह से हम लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं जहाँ तक बड़े बड़े कैमरा नहीं पहुँच पाते हैं, बड़े बड़े मीडिया लोग नहीं पहुँच पाते हैं, यहाँ तक कि राजनीतिक के लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। वहाँ से हम लोग जाके आपकी ज़मीनी हकीकत और वो सच्चाई दिखाने का कोशिश करते हैं। तो ऐसे भाई लोगों का जो है 2024 का जो जर्नी जो आज से स्टार्ट हुआ है, आप लोगों का सपोर्ट सिर्फ हमको चाहिए और सपोर्ट के माध्यम से ही हम लोग आज यहाँ तक आए हैं। तो 2023 जो है कहीं ना कहीं चैनल के माध्यम से काफ़ी अचीव हम लोग किए हैं, तो 2024 में भी हम लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि आज से हम लोग मेरे साथ लगातार आप जुड़े रहे। इसके अलावा अगर किसी भी क्षेत्र में किसी चीज़ का कोई दिक्कत होता है, कोई समस्या होता है, तो आप डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट कीजिए, उस एरिया के बारे में बताइए, हम लोग वहाँ पर तत्काल पहुँचते हैं और कहने के उस मामले को हम लोग उठाते हैं। इसके अलावा जो मामला ग्रीन लाइन के ऊपर चलता है तो ऐसा नहीं है वो कार्रवाई नहीं होती है, बहुत सारा ऐसा, जैसे कि अभी जो है अगर 1-2 महीना पहले की अगर आप देखिएगा वीडियो, तो काफ़ी डीलर लोग जो हैं राशन के मामले में घोटाला करते थे, राशन सही से नहीं दे पाते थे, कार्डधारियों को जो है काफ़ी परेशानी होती थी लेने में। तो ऐसे जगह पर हम लोग गए, काफ़ी डीलर लोगों के ऊपर जो है कार्रवाई भी किया गया। तो हम लोग जाते हैं, ऐसा नहीं है, और उसके ऊपर प्रशासनिक रूप से कार्रवाई भी होता है। तो ये ग्रीन लाइन का बहुत बड़ी उपलब्धि है। और गढ़वा में अगर हम लोग देख लिया जाए तो लगभग हर पंचायत में हम लोग जा चुके हैं, पंचायत में क्या काम हुआ है वो चीज़ को लिए हम लोग दिखाते हैं और अभी काम क्या हो रहा है वो भी दिखाते हैं। इसके अलावा पहले क्या था और अभी क्या है, सारा चीज हम लोग दिखाते हैं। देखिए हम लोग दोनों दिखाते हैं, अगर जहां पर गलत हो तो गलत चीज़ का भी हम लोग दिखाते हैं और वो सरकार से हम लोग सवाल करते हैं, प्रशासन से हम लोग सवाल करते हैं। यदि सही चीज़ हो तो कहीं ना कहीं उनको हम लोग सराहनीय करते हैं, मतलब उनको एक शाबाशी देते हैं जो आपका क्षेत्र में इस हिसाब से काम हो रहा है। अभी 2024 का जो है आगमन हो चुका है, आज 1 जनवरी है और आज के दिन से सारे जो है राजनीतिक दल, अगर राजनीतिक स्तर से हम लोग बात करें तो कहीं ना कहीं आज से सारे लोगों का धड़कन जो है तेज हो चुका है, क्योंकि सारे लोग इंतज़ार कर रहे थे जो 2024 में जो है चुनाव होने वाला है। और अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड में डबल चुनाव होने वाला है, एक आपका विधानसभा का चुनाव होगा और एक लोकसभा का चुनाव होगा। पहला तो चुनाव आपका लोकसभा का है, इसके बाद विधानसभा का चुनाव जो है
आपका होगा। तो ये जो राजनीतिक स्तर से हैं, काफ़ी लोगों का धड़कने जो है काफ़ी बढ़ चुका है, इसलिए क्योंकि 2024 जो है कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए एक बड़ा पैगाम लेकर आया है। काफ़ी लोग जो हैं अपने अपनी पार्टी को लेकर काफ़ी स्तर से विस्तार कर रहे हैं, लोगों के साथ मिलजुल रहे हैं, अपने सदस्य जो है बढ़ा रहे हैं। उसी बीच जो है आज हम लोग एक काफ़ी धमाल करने वाले हैं, और अभी हम लोग गढ़वा से निकल चुके हैं और खजूरी डैम गढ़वा से तकरीबन लगभग 16 से 20 किलोमीटर करीब दूरी है। हम लोग वहाँ पर खजूरी डैम पर जाएंगे, और अगले साल का ही अगर बात करें 1 जनवरी को, तो काफ़ी एक भयंकर हादसा भी हुआ था। कुछ लोग जो हैं बाइक और कार में टक्कर हुई थी, कुछ लोगों की मौत भी हुई थी। तो आपको इस सबसे सावधानी आपको बरतना है, जब तक आप सावधानी नहीं बरते हैं, क्योंकि किसी अन्य की गलती के वजह से कहने के आपकी जान भी जा सकती है, तो इस पर आपको सावधानी बरतना है। जैसे अभी रास्ता पर आप चल रहे हैं, कोई जो है पार्टी शार्टी करके आता है, शराब की नशे में आता है, तो कहने के आप भी उस आपको भी उससे बचना है। और सबसे खास बात, ये जो कोई भी त्यौहार पर्व आता है, जो बड़ा बड़ा त्यौहार पर्व हो, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को या फिर प्रशासन को ये सोचना चाहिए जे ये शराब जो है कम से कम 2-4 दिन बंद रहना चाहिए। अगर बंद रहेगा तो जो क्राइम होता है, जो घटना होता है, वो घटना आपका नहीं होगा। तो शराबबंदी पर आप लोगों का क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप ज़रूर अपनी अपनी राय दीजिएगा जे शराब बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर पूरा कंप्लीट रूप से अगर झारखंड में शराब बंद हो जाए तो क्राइम का रेट जो है काफ़ी बढ़ जाएगी, क्योंकि ज़्यादातर रेट क्राइम जो होता है शराब के नशे में होता है। अभी फिलहाल जो है 2-4 दिन का एक घटना है, जो भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र का एक घटना है, एक महिला जो है अपनी पति को शराब नहीं पिलाती है, शराब नहीं देती है, तो उसका पति जो है डंटे से मार मार के उसका जो है हत्या कर देता है। तो ऐसे बहुत सारे घटना है। अगर आप कुसमही का भी मामला देखेंगे, तो कुछ लगभग 1 साल पहले वहाँ का भी एक ऐसे ही घटना हुआ था, जो पीने खाने में पति जो है अपनी पत्नी को जो है हत्या कर दिया था। ऐसे बहुत सारा खबर आता है। तो झारखंड में शराब बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इस पर आप ज़रूर दीजिए, कमेंट करके दीजिए। अगर इसमें एक प्रमुखता के साथ और एक मजबूती के साथ आवाज़ उठाकर सरकार से भी हम लोग सवाल करेंगे, क्योंकि क्राइम जो है शराब की वजह से बढ़ता है, तो शराब बंद होना चाहिए। बिहार की राज्य में जाएंगे, पड़ोसी राज्य में अगर आप जाएंगे बिहार में, तो कहीं ना कहीं ये बिहार जो है वहाँ पर शराब बंद है, प्रतिबंध लगाया गया है, और शराब चुपके उपके या फिर जैसे तैसे अगर पकड़ा जाता है तो वहाँ के प्रशासनिक को भी जो है सस्पेंड कर दिया जाता है, उस एरिया पर जो है छापामारी होता है। तो काफ़ी सुधार है, ऐसा नहीं बिहार पहले से जो है काफ़ी सुधार हो चुका है, क्योंकि वहाँ पर शराब बंद है, और वहाँ पर जो सरकार है नीतीश कुमार की सरकार है, और ये ऐसे सरकार है जो गद्दी जो है छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे, कई वर्षों से जो है उनका सीएम का पद पर जो है विराजमान है, और ना जाने उनके और उस कुर्सी के साथ उनका क्या लगाव है। जिस पार्टी के साथ वो चाहते हैं इधर से उधर चले जाते हैं, जिस पार्टी में उनको उम्मीद जगता है जो वहाँ से हमें सरकार बन सकती है, वहाँ से हमको जो है कुर्सी मिल सकता है सीएम का, तो चले जाते हैं। तो ऐसे लोगों पर जो है क्या कुछ कहेंगे आप, ये भी जिक्र कर दीजिए। इसके बाद सारे लोग जो हैं आज मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, इसके अलावा थोड़ी सी हम तस्वीर हम आपको दिखा दे रहे हैं।